नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सुजाता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए? बता देंगे जरा वॉइस क्लियर है कि नहीं है? ओके, सब कुछ क्लियर है। तो लास्ट टाइम पे कौन सा छंद पढ़ा था हमने, बताइए जरा। लास्ट टाइम पे कौन सा छंद हमने पढ़ा था और क्या उसकी पहचान थी? जो लास्ट टाइम पे हमने छंद पढ़ा था उसकी पहचान क्या थी, क्या पढ़ा था, है किसी को याद? बरवे छंद पढ़ा था, क्या पहचान थी प्रियंका बरवे छंद की? सभी बताएंगे बरवे छंद जो हमने पढ़ा था क्या पहचान थी उस छंद की? ये आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी इसकी, बताएं जरा क्या पहचान थी बरवे छंद की, क्या पढ़ा था हमने? बरवे छंद था और कहां पर हमारे पास यति लगी होती थी, उसमें कहां पर विराम होता था, मैंने आपको बताया हुआ है, बताइए फटाफट से। जो लास्ट है हमारे पास, जो इसमें पहचान बताई थी वो कहां पर यति बताई थी? 14 पर, 12 पर, 10 पर, कहां पर बताई थी? जो फर्स्ट हमारे पास विराम होता था वो 14 पर था कि 12 पर था? रितिका कह रही है 12 पर था, वेरी गुड रितिका, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट नोट करेंगे आप, कर में गह करबाल घूमती, कर में वह करबाल घूमती, नेक्स्ट को नोट करेंगे, ठीक है। कर में गह करबाल घूमती, ठीक है, कर में गह करबाल घूमती, काउंट करेंगे फटाफट मात्राओं को, ठीक है। रोनी बनी शक्ति साकार, रोनी बनी शक्ति साकार, ठीक है। कर में गह करवाल घूमती, रोनी बनी शक्ति साकार, ये आपके पास जो है वो दो चरण है। इस तरीके से ही आपके पास जो है आपको चार चरण देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इन्हीं की बात करेंगे, हमें जस्ट मात्राओं को काउंट करना है और देखना है कि कितनी मात्राएं आपके पास यहाँ पर आती है। तो फटाफट से काउंट करो, कर में गह करवाल घूमती, रोनी बनी शक्ति साकार, इसमें कितनी मात्राएं होंगी फटाफट से बताइए, कौन सी मात्रा होगी यहाँ पर, फटाफट से बताना है। कर में गह करवाल घूमती, रोनी बनी शक्ति साकार, कितनी मात्राएं आ रही है काउंट करके देखिए फटाफट से। 16-16 आ रही है पंकज, कोई ऐसा जिसकी थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट आ रही हो, कोई ऐसा जिसकी 16-16 की बजाय 16 कुछ और आ रही हो? पंद्रह आ रही है, हाँ जी बिल्कुल सही, तो 16-15 होंगी आपके पास यहाँ पर मात्राएं। काउंट करने की वैसे जरूरत है नहीं, इतने काउंट कर दिए लेकिन फिर भी कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15, ठीक है। तो 16-15 मात्राएं आ गई आपके पास यहाँ पर। जो विषम चरण है वहां पर 16 मात्राएं हैं, सम चरण में आपके पास 15 मात्राएं हैं। अब छंद की बात करें तो ये कौन सा छंद है, सम मात्रिक छंद होगा कि अर्ध सम मात्रिक छंद होगा, बताएं जरा। यहाँ पर अगर हम ऐसे बात करें कि हमारे पास 16 व 15 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, हर चरण में इसी तरीके से आएंगी, तो ये छंद हमारे पास हो जाएगा वीर छंद हो जाएगा, ठीक है। बरवे छंद में हमने क्या पढ़ा था कि 12 और 7 के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था ना कि 12 और 7 पर हमारे पास यति होगी, या कुछ और पढ़ा था, बताइए, बोलिए फटाफट से। 12 और 7 बोला था, यही बोला था ना, तो वो था हमारे पास बरवे छंद। यहाँ पर क्या है, हल्का हल्का सा डिफरेंस, एक मात्रा का डिफरेंस होगा, 16 और 15 जो है वो हो जाएगा वीर छंद।
सिर्फ मात्राओं को काउंट करना बता रही हूं मैं यहाँ पर, बाकी आप सभी को अच्छे से आता ही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निछावर कर दे हम सर्वस्व। काउंट करेंगे फटाफट से, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो फटाफट से काउंट करिए जरा, कितनी मात्राएं बनेंगी आपके पास यहाँ पर, कितनी मात्राएं आएंगी फटाफट से देखते हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष, करिए काउंट फटाफट से, काउंट करना है फटाफट से। वेरी गुड, फटाफट से 15 आ रही है, रितिका की आ रही है 15 है कि 16 है देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कर दे है, ठीक है, 9 10 11 12 सर्वस्व है तो ये हो जाएगी 13, यहाँ पर 2 बनेगी, यहाँ पर 1 बनेगा। काउंट करके देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। पता चला कैसे मैंने 16 16 मात्राएं लिखी यहाँ पर, और लास्ट में लघु लघु गुरु बनेगा, और ये इसके पहचान है आपके पास, और ये रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, इसमें भी 16 16 मात्राएं होती हैं। देखो मुझे पता है बाकी सारी मात्राएं आप लोगों ने अच्छे से काउंट कर ली होगी, यहाँ पर प्यारा मतलब ये प और य क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो इसीलिए मैंने प को क्या कर दिया, गुरु कर दिया, उसके बाद जो य था इसको लघु रखा। बेशक यहाँ पर अगर अकेला यारा होता तो हमारे पास गुरु गुरु आती, लेकिन जब आधा संयुक्त अक्षर है तो ये वाला हमारा लघु हो जाएगा और ये वाला भी लघु रहेगा। वैसे ही भारत वर्ष है, भारत तक सही मात्राएं हैं, वर्ष में हमारे पास स और र यहाँ 2 लगे हैं, तो इससे पिछले वाला जो है वो गुरु बन जाएगा, ये लघु बनेगा। सेम यहाँ पर है सर्वस्व, तो सर्वस्व में देखिए संयुक्त अक्षर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, इस वाले का यहाँ पर बन जाएगा गुरु और ये लघु रह जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो मात्राओं को काउंट किया है। ओके बात समझ में आई, बोलिए फटाफट से यस और नो, समझ में आया ये वाला छंद। श्रृंगार रस में 16 16 मात्राएं होती हैं और लास्ट में जो है वो लघु और गुरु बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेंगे, हे शरण दायिनी देवी तू, ठीक है, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, करती सबका प्राण है। काउंट करेंगे फटाफट से, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, है मातृभूमि है संतान हम, फटाफट से काउंट करेंगे, है हे मातृभूमि
हे करना, हे मातृभूमि, संतान हम है मातृभूमि, है मातृभूमि संतान हम, ऐसे करिएगा, है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है, करिए काम, कितनी मात्राएं आएंगी। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका प्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, बताइए कितनी मात्राएं आएंगी, काउंट करिए फटाफट से और बताइए। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका प्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, करिए फटाफट से काउंट, फटाफट से काउंट करेंगे। 16 13, 16 13 ही है रितिका, या कुछ एक आधा ऊपर नीचे, 15 13 आनी चाहिए आपकी मात्राएं, कहां पर गड़बड़ है, 16 13 आ रही है, यानी कि लिखने में गड़बड़ है, सबके 16 13, 16 14 आ रही है, किसी की 16 13 आ रही है, 16 13 15 13 आनी चाहिए, हो सकता है कि कोई मात्रा जो है वो आगे पीछे हो गई हो, मैं काउंट करके देखती हूँ फिर देखते हैं, ठीक है। दो शरण, एक दो तीन, सॉरी, दो तीन पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 और 15 16 हो रही है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर देवी तू करना इस तरीके से, ठीक है, बाकी में कहीं पर कोई गड़बड़ होने के आसार नहीं है, यहाँ पर देवी तू करना, ठीक है। हे शरण दायिनी देवी तू, तभी होगी हमारे पास 15 माताएं ना, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 हो रही है फिर भी, क्या अच्छा यहाँ पर लघु हो जाए, ठीक है। देवी तू करती सबका प्राण है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 और यहाँ पर एक 13 थी, ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास 13 और ये बन गई हमारे पास 15। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा था ना कि यहाँ पर ये होगा कि नहीं, अब आगे भी हमारे पास सेम यही जो वर्ड्स है इनको काउंट करके देखते हैं कि आएंगे कि नहीं आए, जैसे दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 जो है यहाँ पर आनी चाहिए थी, ये ठीक थी। अब यहाँ लास्ट से करेंगे, दो चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13, यहाँ पर 13 आ रही है, यानी कि अब देखो यहाँ पर जो है देवी तू था, होना चाहिए था यहाँ पर बड़ा ऊ, अब गड़बड़ कहाँ जैसे है वो अभी इस वर्ड में मुझे नहीं पता, है शरण दायिनी देवी, या फिर हम यहाँ पर तू को तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो तू जननी तू प्राण है, जब हम किसी को बोलते हैं ना तू शब्द करके, तो यहाँ पर किसी ना किसी में मात्रा की गड़बड़ होगी, उस वजह से आपके पास ये मात्राएं जो है यहाँ पर 16 आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 आएंगी, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 आएंगी, जो ये वाला है करती सबका प्राण है, ठीक है। यहाँ पर एक आधे के लिए आपने नहीं सोचना है कि गड़बड़ कहाँ जैसे होगी, अच्छा सॉरी गड़बड़ यहाँ नहीं है, तू आपका तू ही रहेगा, जैसे यहाँ पर भी हमने इनको काउंट किया ना, मात्राएं पूरे की पूरी आई, तो गड़बड़ कहाँ पर है, ये तू ही रहेगा, इसमें गुरु आएगा, यहाँ पर गड़बड़ है, शरण दायिनी इस तरीके से लिखा जाएगा और ये मात्रा यहाँ कम हो जाएगी, ओके। फिर आपके पास जो है पूरी, जो फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ है, इसमें कितनी मात्रा आ रही थी, 15 15 मात्राएं आ रही थी और इसमें 13 13 मात्राएं आ रही थी, तो कौन सा छंद है ये जिसमें 15 15 और 13 13 मात्राएं होती हैं, पता है किसी को, तो ये हमारा छंद है उल्लाला छंद है, क्या बोलेंगे इसे, उल्लाला छंद बोलते हैं इसे, जिसमें हमारे पास 15 और 13 मात्राएं आती हैं, ओके क्लियर हो गया, जो डाउट था शरण दायिनी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहां पर मैंने बड़ी ई लगा दी थी, शरण दायिनी में छोटी ई होगी, बाकी हमारे पास सारी मात्राएं जो है वो बिल्कुल सही जैसी है वैसे ही होंगी, समझ आ गई बात की नहीं, बोले फटाफट से, उल्लाला छंद भी क्लियर हो गया, बोलिए फटाफट से, उल्लाला छंद क्लियर हो गया कि नहीं, यस और नो,
ओके सुनीता, बाकी सारे पूजा सबको क्लियर है? ओके सुजाता सबको क्लियर है, बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा हमारे पास जो है वो पैराग्राफ है। जैसे हमने पीछे कुंडलिया छंद पढ़ा था ना, वैसे ही हम यहाँ पर एक बड़ा सा छंद पढ़ेंगे जिसमें आपके पास 6 पंक्तियां देखने को मिलेगी। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाएगा। व्यर्थ ना कर अभिमान, एक दिन मिट जाएगा। से मात्राओं को काउंट करना है, फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो वहां से हम मात्राओं को प्लस माइनस कर लेंगे। राजा हो या रंक, कोई ना बच पाएगा। राजा हो या रंक, कोई ना बच पाएगा। ठीक है, व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाएगा। राजा हो या रंक, कोई ना बच पाएगा। आया खाली हाथ जाएगा। आया खाली हाथ, खाली हाथ जाएगा। विजिबल है आप लोगों को या नहीं लग रहा? पता, एक्चुअली मार्कर की इंक जो है वो खत्म हो गई है, तो दिख रहा है या फिर इंक डालने के बाद ये करवाऊं? तब तक आप इसकी मात्राओं को काउंट करो, मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आएगी देखने में। ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है या फिर मतलब बीच में जो है लाइट पड़ रही है? एक्चुअली यहाँ पे लाइट ज्यादा लग रही है ना? ओके चलिए काउंट कीजिए आप मात्राओं को। अभी आगे भी लिखना है, अभी हमने इतना ही लिखा है, मैं तब तक इंक फिल कर दूं। आया खाली हाथ जाएगा। तजा न जिसने लोभ, तजा ना जिसने लोभ, तजा ना जिसने लोभ, सलील बहु पछताएगा। सलील बहु पछताएगा। ठीक है, एक पूरी लाइन है हमारे पास ये। करते सब ग्रंथ निषेध है, करते सब ग्रंथ निषेध है। अब पता चल रहा है ना, बीच में जब मैं आगे जा रही हूँ तब आप लोगों को ऐसे लाइट ज्यादा पड़ रही होगी, ऐसे तो सही है। करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का। हिंसा लालच क्रोध का, ठीक है, हिंसा लालच क्रोध का। भव सागर से तरेगा, जब पथ पकड़ेगा बोध का। भव सागर से तरेगा, जब पथ पकड़ेगा बोध सागर से तरेगा, जब पथ पकड़ेगा बोध का, यानी कि ज्ञान का। ठीक है, आपके सामने पूरा है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाएगा। राजा हो या रंक, कोई ना बच पाएगा। आया खाली हाथ जाएगा। तजा ना जिसने लोभ, सलील वह पछताएगा। करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का। भव सागर से तरेगा, जब पथ पकड़ेगा बोध का। क्लियर है सबको? दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? बताएं, 24 24 मात्राएं आ गई, ऋतिका कह रही है। ओके, शुरू में अब आपको लग रहा होगा 24 है ना, और लास्ट वाली में देखना जरा, एक आपको शुरू का देखना चाहिए जरूर, एक आपका लास्ट, आपको लास्ट का देखना चाहिए। 11 13 आ रही है। ओके
हाँ जी, तो मतलब यहाँ पर अगर 6 है ना, तो आपको पूरी पंक्ति की लाइन बतानी है। यहाँ पर 11 13 आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, 11 13 आदमी है, तो यहाँ पर पूरा बताओ जरा। 24 24 आपने काउंट की, बिल्कुल सही। लास्ट वाले एक का काउंट करो जरा, भवसागर से तरेगा जब पथ पकड़ेगा बोध का, इसमें कितनी आ रही है, इसमें आपके पास कितनी मात्राएं आ रही है। 24 जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया वो बिल्कुल सही था, उसमें आपके पास 24 24 ही आएंगी। भवसागर से तरेगा पथ पकड़ेगा बोध का, इस वाली में कितनी आ रही है वो बताना है। की किसी ने काउंट, 28 आ रही है, 24 और 28। ओके, तो देखो अभी हमने पीछे बात की, जब हम ऊपर उल्लाला छंद पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया, 15 और 13 मात्राएं हमारे पास आ रही थी, वैसे हमने काउंट की थी, तो 15 और 13 हमारे पास कितना हो गया, 28 हो गया था, है ना, वो हमने काउंट की थी। हाँ जी, तो जब हमारे पास 26 छंद की बात आती है, तो यहाँ पर अगेन आप देखेंगे, मैंने आपको पीछे भी करवाया था जब कुंडलिया छंद करवाया था, है ना, कुंडलिया छंद में मैंने क्या कहा था कि वहां पर दोहा प्लस रोला, यानी कि, और अकेला मैंने रोला करवाया था, वहां पर तो आपको सिर्फ मैंने 4 ही चरण बताए थे, लेकिन जब हम रोला करते हैं तो उसमें 8 चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रोला जब हमने किया था, दोहा प्लस रोला, उसमें 2 लाइनें आपकी जो है वो दोहे की थी, 4 आपके पास, अब पंक्तियों की बात कर रही हूँ मैं, वो रोले की थी। सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो छंद हमारे पास, ये वाला जो छंद है, इसमें जो शुरू की 4 पंक्तियां हैं वो किसकी है, रोला की, और जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं वो किसकी है, उल्लाला की, यानी कि जो रोला है उसमें कितनी मात्राएं आनी चाहिए आपके पास, 24 मात्राएं आनी चाहिए, 11 और 13 का सीक्वेंस होना चाहिए, कॉमा से इधर को 11 और उस साइड को 13 होनी चाहिए। और जो उल्लाला है, अभी अभी हमने छंद पढ़ा, उसमें हमारे पास जो है 26 से लेकर 28 तक की मात्राएं जो है वो आ जाएंगी, इस वाले की 2 पंक्तियों की मैं बात कर रही हूँ। तो सबको क्लियर हो गया जहां तक हमने ये पढ़ा, बताओ फटाफट से, जहां तक हमने पूरा कंप्लीट किया वहां तक सबको छंद समझ में आया, कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन है कि कहां से मात्राएं आ गई हैं, क्लियर है, काउंट करने की जरूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ 2 पता होने चाहिए। देखो एक मैं आपको और बता दूं, अभी हमने अभी 2 ही छंद के बारे में हमने पढ़ा, अब इसका नाम भी तो कुछ होगा, है ना, जो रोला और उल्लाला से बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे छप्पे छंद। अब देखो 2 छंद हमने पढ़े जिसमें हमारे पास जो है वो 6 6 पंक्तियां थी, ठीक है, सिर्फ 2 छंद, कुंडलिया छंद जिसमें दोहा प्लस रोला था, एक हमने छप्पे छंद पढ़ा जिसमें हमारे पास रोला प्लस उल्लाला है। ओके, मात्राओं को काउंट कर लेंगे आप, मुझे पता लग गया अच्छे से काउंट कर रहे हो। उसके अलावा जब हमने कुंडलिया छंद पढ़ा था, तो उसका जो पहला अक्षर था वो लास्ट अक्षर के बराबर था, वही मतलब सेम टू सेम वही था, फिर जो दूसरी पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति का जो लास्ट चरण था और जो तीसरी पंक्ति का पहला चरण था वो सेम टू सेम लाइन आएगी उसमें, ऐसा नहीं उसी एग्जाम्पल, जब भी कुंडलिया छंद होगा उसमें वैसा ही होगा। उसके अलावा अब हमने ये 6 पंक्तियों वाला देखा, तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या होगा, छप्पे छंद होगा, क्योंकि 6 पंक्तियों वाले छंद हमारे पास यही देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास मुक्तक छंद, लेकिन मुक्तक छंद क्या होता है, वो मुक्त होता है हर एक चीज से, उसमें ना ही वर्णों की होती है बंदिश, ना ही मात्राओं की बंदिश होती है। अब एक छंद मैं आप लोगों को करवाऊंगी वर्णिक छंद का, उसमें आपको क्या करना है, वर्णों को काउंट करना है, ठीक है। या लकुटी, एक तो इनके जो शब्द है ना वो बड़े भारी अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को, पर राज तिहुंपुर को, इनमें हमारे पास मात्राओं की ये नहीं है कि कोई गड़बड़ हो गई, नहीं, हाँ अगर आपने कोई वर्ण छोड़ दिया है तो फर्क पड़ेगा, ताजी डारो
डारो। फर्स्ट लाइन मैंने आपके सामने लिख दिया, जरा काउंट करो। आपको वर्णों को काउंट करना है, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगी। अथ सिद्धि नवो निधि को, आठौ सिद्धि नवो निधि को, आठौ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसाव। सुख नंद की गाय चराओ, आपके सामने है ठीक है। सुख नंद की गाय चराए विसारो करना, गाय चराया विसारो। ये रहा आपके पास शब्द, जिसको नहीं दिख रहा था अब अच्छे से दिख जाएगा। ये क्यों गड़बड़ पड़ रही है आज, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया कि मेरे को ही लग रहा है ऐसे। दिख रहा है आप लोगों को? यार लकुटी ब्लर अभी ठीक हो गया शायद। अभी सही है या अभी भी ब्लर है? ठीक है अब ठीक है, करिए फटाफट से। या लकुटी अरु कामरिया पर राज पीहूं, पुर को ताजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराओ, गाय बिसारो। करो फटाफट से काउंट, वर्णों को काउंट करना बताया है मैंने, नहीं है ये वाला क्लियर, मतलब नहीं आ रहा है काउंट करना, या फिर क्लियर नहीं है स्क्रीन आप लोगों को? मैं बताऊं काउंट करके? देखो वर्णों को काउंट करना बड़ा ही इजी है। आप एक एक वर्ण देखो, जैसे या है आपके पास, तो इसमें कौन सा वर्ण है? य है। हाँ जी, ऋतिका ने काउंट कर दिया, 23 आ रहे हैं उनके। ओके अब देखो इसकी मैं क्या करूंगी आपको, यहां पर मैंने जैसे आप लोगों को संचारी भाव की फोटोज भेजी थी ना पीछे, जैसे वैसे ही आपको यहाँ पर भेजूंगी फोटो, जिसमें आपको नाम याद करने हैं कि किस छंद में आपके पास जो है वो कितने वर्ण होने चाहिए। वहां पर मात्रिक छंद मैंने करवा दिए हैं, वर्णिक आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगी ठीक है। चलिए मैं करवा देती हूँ, आंसर ठीक आ रहा है आप लोगों का। देखो कैसे काउंट करना होता है जिन्होंने नहीं काउंट किया है। या एक वर्ण है, ल क ट अ र क म र य प र ज त ह प र क त ज ड र। मतलब मात्राओं को नहीं देखना है अब आपने, सिर्फ वर्णों को देखना है। तो कितने आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सबने 23 कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 आ रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो छंद है जिसमें 22 से लेकर 24 तक, ठीक है ये जो छंद है इसमें आपके पास 22 से 24 नहीं करेंगे आप, 22 से 26 करो। 22 से 26 तक की संख्या कितनी भी हो सकती है, और ये छंद कौन सा होता है? सवैया छंद होता है। क्या बोलेंगे? सवैया छंद, और इसी को मालती छंद भी बोलते हैं। सवैया छंद और मालती छंद बोलेंगे इसे ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो छंद है ये क्या बोलेंगे हम इसे? सममात्रिक छंद हो जाएगा, क्योंकि 22 से 26 तक की यहाँ पर जो है वो मात्राएं आ रही है ठीक है। बात समझ में आई? बोलिए फटाफट से, समझ में आई बात? मैम पता कैसे लगेगा कि इसमें वर्ण काउंट होने हैं? वर्ण ऐसे काउंट होने हैं क्योंकि वहां पर पूछा जाएगा कि इसमें वर्णिक छंद कौन सा है। अब सपोज आपको ये ऑप्शन दी, ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा छंद है ठीक है। आपको वहां पर ऑप्शन भी वर्णिक छंद की मिलेगी, मात्रिक छंद की नहीं मिलेगी। ओके ऑप्शन भी आपको वर्णिक छंद की मिलेगी, क्योंकि वर्णिक छंद पूछा जाएगा, मात्रिक छंद पूछा जाएगा, मात्रिक छंद की ऑप्शन मिलेगी। आपने इतने वर्णिक छंद और इतने मात्रिक छंद पढ़े हैं, अब आपको तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपने जहां दोहा हो गया, रोला हो गया, सोठा हो गया, उल्लाला हो गया, हरी गीतिका, श्रृंगार, बरबे, बीर,
है ना, इस तरीके से बहुत से पढ़े। तो अब ये हो गया आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट। छंद भी पढ़ लिया हमने पूरे के पूरे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ये कौन सा वर्ण बताया आपने? सवैया छंद, प्रियंका, सवैया छंद या फिर मालती, सवैया या मालती बोलेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, जिसका ये करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसको पता होगा आंसर वो बताता चलेगा। जो हमेशा रहने वाला है, क्या कहते हैं उसे? जो हमेशा चलता रहे उसे क्या बोलेंगे? जो हमेशा चलता रहे उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कह रहे हैं। हमेशा रहने वाला सर्वज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ होता है सब चीज जानने वाला, ज्ञा मीन्स जानने वाला, सबका ज्ञाता। जिसका वध करना अनुचित है उसे क्या बोलेंगे? जिसका वध करना अनुचित उसे क्या बोलेंगे? इनको देख लेते हैं पहले, तीन को। सबसे पहले जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है यानी कि सच की तरह आप बोल सकते हो, शाश्वत बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहेंगे शाश्वत। जो हमेशा चलता रहे उसे क्या कहेंगे? अनवरत कहेंगे। जो हमेशा चलता रहे उसे क्या कहेंगे? अनवरत कहेंगे। जिसका वध करना अनुचित है उसे क्या कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि किसी पशु का वध नहीं करना चाहिए, वो करना क्या है? किसी जिसका वध करना अनुचित है उसे क्या बोलेंगे? आरक्षित बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? आरक्षित बोलेंगे। तीन कंप्लीट हो गए। जिस जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत, जो हमेशा चलता रहे अनवरत, जिसका वध करना अनुचित है आरक्षण, ठीक है? जो धन का दुरुपयोग करता हो, ये तो बिल्कुल ही इजी है। जो धन का दुरुपयोग करता हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे क्या कहेंगे? जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल इजी है। फटाफट से बताइए, जो धन का यूज करता है उसे क्या बोलते हैं? व्यय करना। जो दुरुपयोग करता है उसे क्या बोलेंगे? अपव्यय बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, जिस जमीन में पैदा करने की क्षमता ना हो, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे क्या बोलेंगे? बताएं फटाफट से। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? बताए किसी को? बंजर नहीं बोलेंगे, बंजर हमारे पास कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, उसे बोलेंगे अनुर्वरा। उर्वरा और अनुर्वरा सुना है ना, तो वो अनुर्वरा बोलेंगे, जिसमें शक्ति ना हो। और जिसमें शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं, ठीक है? विलोम लिखेंगे, विलोम शब्द लिखेंगे। काफी टाइम हो गया हमने विलोम शब्द नहीं लिखा है। विलास फर्स्ट लिखेंगे, विलोम शब्द, विलास। पता है किसी को विलास का विलोम क्या होता है? विलास का विलोम क्या होता है? विलास का उल्टा क्या होता है? विलास का विलोम होता है तप, याद रखेंगे। विलास का विलोम होता है तप। उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य, याद रखेंगे। विलास होगा, विलास का विलोम होगा तप, उग्र का विलोम हो जाएगा सौम्य। कृष्ण का विलोम क्या होगा? कंजूस का विलोम क्या होगा? बताइए फटाफट से।
कृष्ण का विलोम क्या होगा, कंजूस का विलोम क्या होगा, फटाफट से बताएं। कृष्ण होता है ना श्यामल या काला, तो सफेद क्या बन जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। कंजूस क्या होता है, जो किसी भी चीज में मतलब जिसका हाथ ना खुला हो, जो कंजूस हो, और उधार क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए, और नीचे हमने बात की किसकी, विलोम की। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलिए फटाफट से, कर लिया नोट्स सबने? तो करते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जो पूरे हमारे पास जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजों की। ओके, चलिए, थैंक यू।